एक धनी किसान और चरवाहे में एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ। फसल काटने के बदले में ये ठहरा था कि किसान चरवाहे को एक बछिया देंगे, पर जब हिसाब चुकाने का समय आया तो किसान ने अपने वचन से मुकर कर साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, जाओ जो करना हो सो कर लो। विवश होकर चरवाहे को गांव के मुखिया के पास निर्णय के लिए जाना पड़ा। मुखिया बड़ी सूझबूझ वाला था। किसान और चरवाहे दोनों की बात सुनकर मुखिया ने कहा, मैं तुम दोनों से तीन प्रश्न पूछता हूँ, जो बढ़िया उत्तर देगा बछिया उसी की होगी। क्या यह फैसला आप दोनों को मंजूर है? दोनों ने उत्तर दिया, जी हाँ मंजूर है। ये सुनकर मुखिया ने कहा, पहला सवाल यह है कि संसार में सबसे अधिक तेज चलने वाली चीज क्या है? दूसरा सवाल यह है कि संसार में सबसे अधिक मीठी चीज क्या है? तीसरा सवाल यह है कि संसार में सबसे अधिक धनी कौन है? कल इसी समय आप मुझे इन सवालों के उत्तर दीजिए। किसान और चरवाहा अपने अपने घर चले गए, किंतु प्रश्नों का ठीक उत्तर पता लगाने में दोनों परेशान थे। किसान का मुरझाया चेहरा देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों आप किस सोच में पड़े हो? किसान ने उसे सारी कहानी कह सुनाई। बस इतनी सी बात है, लीजिए मैं ठीक उत्तर बताए देती हूँ, पत्नी बोली। फिर तीनों प्रश्नों के ठीक उसने किसान के कान में कुछ कहा, जिससे वो मन ही मन में सोचने लगा, अब तो जीत मेरी ही होगी। जब चरवाहा घर पहुंचा तो वह भी उदास उदास सा था। उसकी बच्ची सीमा से ये देखकर रहा न गया, वो पूछ ही बैठी, पिताजी क्या कारण है आपकी उदासी का? चरवाहे ने उसे सारा किस्सा सुना दिया। सीमा जितनी सुंदर थी उतनी ही चतुर भी थी। दूसरे दिन ही उसने अपने पिता की सारी उलझने सुलझा दी। जब किसान और चरवाहा मुखिया के यहाँ गए तो मुखिया ने पहले किसान से अपने प्रश्नों के उत्तर पूछे। किसान ने गला साफ करते हुए कहा, जनाब संसार में सबसे अधिक तेज चलने वाली वस्तु है मेरा घोड़ा। तेजी में कोई भी वस्तु उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे यहाँ के शहद की मक्खियों से निकाले शहद से अधिक मीठी वस्तु संसार में मुझे तो कोई दिखती नहीं, और मेरे जितना धनी कौन होगा? मेरे कोठे हमेशा अनाज से भरे रहते हैं और मेरी तिजोरियां रुपियों और अशर्फियों से। ये कह किसान मुस्कराने लगा। तब मुखिया ने चरवाहे से उसके उत्तर पूछे। चरवाहा बोला, मुखिया जी कल्पना से अधिक तेज कोई नहीं चल सकता। आंख झपकते ही वह इंग्लैंड अमेरिका रूस की सैर करा देती है। और थके टूटे मनुष्य से पूछिए कि क्या संसार में नींद से अधिक मीठी चीज कोई हो सकती है? शहद का नींद से क्या मुकाबला? जिस मनुष्य की आंखें नींद से बोझिल हो रही हो उसे शहद के बदले जागने के लिए कहकर तो देखिए, मीठे से मीठे शहद को भी वह नींद से न बदलेगा। और हां धरती माता से अधिक धनी तो संसार में कोई है ही नहीं। उसी से यह अनाज उपजता है जिससे लोग हजारों क्यों लाखों रुपया कमाते हैं, और सोना भी तो धरती ही से मिलता है। मेरे साथी का कमाया धन और सोना धरती माता की देन नहीं तो और किसकी है? मुखिया ने तुरंत फैसला कर दिया, बछिया का अधिकारी चरवाहा ही है। यह फैसला सुनकर किसान का चेहरा फटे गुब्बारे की तरह सिकुड़ कर रह गया। किंतु मुखिया ने चरवाहे से पूछा, मुझे सच सच बताओ कि ये उत्तर तुम्हें किसने बताए हैं? पहले पहले तो चरवाहे ने बड़ी टाल मटोल की, किंतु जब मुखिया ने बहुत तकाजा किया तो उसे बताना ही पड़ा कि मुझे ये सारे उत्तर मेरी लड़की सीमा ने बताए हैं। दिखता है तुम्हारी सीमा बहुत चतुर है। यदि वह इतनी ही सुंदर भी है जितनी चतुर, तो मैं उससे शादी कर लूंगा। पर शादी से पहले मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। सीमा से मिलकर मुखिया की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा और उन दोनों की शादी हो गई। शादी करने से पहले मुखिया ने एक शर्त रखी कि तुम मेरे काम में कभी दखल ना देना, नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकालकर तुम्हें तुम्हारे मायके पहुंचा दूंगा। सीमा ने ये शर्त मान ली और वे दोनों हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। सीमा हमेशा इसके काम काज में लगी रहती और अपने स्वामी को हमेशा प्रसन्न रखा करती। एक बार मुखिया के पास दो किसान एक झगड़े का फैसला करवाने आए। एक किसान की घोड़ी ने एक बछड़े को बाजार में जन्म दिया था।
वो बछड़ा दौड़कर दूसरे किसान की बैलगाड़ी के नीचे जा घुसा। इस पर दूसरे किसान के दिल में बेईमानी आ गई। वो कहने लगा कि ये तो मेरा बछड़ा है। मुखिया ने उससे पूछा, भाई तुम्हारी घोड़ी तो है नहीं, फिर ये बछड़ा तुम्हारा कैसे हुआ? उस किसान ने लापरवाही से उत्तर दिया, ये मेरी बैलगाड़ी से पैदा हुआ है। फैसला करते हुए मुखिया का ध्यान कहीं और ही था। उसने कह दिया, बछड़े का मालिक वही है जिसकी गाड़ी के नीचे बछड़ा खड़ा मिला है। सीमा को यह निर्णय सुनकर बड़ी शर्म आई। उसने बछड़े के असली मालिक को धीरज देकर और कुछ समझा कर विदा किया और कहा, तुम मछली पकड़ने वाला एक जाल ले आओ। शाम को जब मुखिया घर लौटा तो उस किसान को घर के सामने की पगडंडी पर मछली पकड़ने का जाल बिछाए बैठा देखकर उसने पूछा, भाई यहाँ क्या कर रहे हो? किसान बोला, जनाब मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। मुखिया बोला, मछलियाँ? यहाँ सूखी धरती, क्या मछलियाँ उगलती है? किसान चट बोला, जी हाँ, यदि बैलगाड़ी घोड़ी के बछड़े पैदा कर सकती है तब तो सूखी धरती भी मछलियाँ उगल सकती है। ये जवाब सुनकर मुखिया ने अपने गलत फैसले को रद्द कर दिया। किंतु मुखिया ने किसान से पूछा, यह युक्ति तुम्हें किसने बताई थी? पहले तो किसान ने बड़ी टाल मटोल को, किंतु आखिर में उसे यह बात बतानी ही पड़ी। इससे मुखिया को बड़ा क्रोध आया। घर जाते ही उसने पत्नी से पूछा, सीमा क्या तुम्हें वह शर्त याद नहीं जो मैंने शादी से पहले तुमसे पक्की की थी? कल ही तुम अपने मायके की राह लो। हाँ, अगर तुम चाहो तो याद के लिए मेरे घर से एक ऐसी चीज जो तुम्हें सबसे अच्छी लगे ले जा सकती हो। सीमा ने चतुरता की। उसने रात को ऐसी स्वादिष्ट चीजें पकाई जो उसके पति को बहुत भाती थी। वो खाता गया। पेट भर जाने पर उसकी पलकें नींद से भारी होती गई, यहाँ तक कि कुर्सी पर बैठे बैठे ही वो सो गया। उसे जगाए बिना सीमा उसे गाड़ी में उठवा अपने साथ मैके ले गई। दूसरे दिन जब मुखिया की आंख खुली तो उसने अपने आप को चरवाहे की झोपड़ी में पाया। इसका क्या मतलब है? वो चिल्ला उठा, कुछ भी नहीं मेरे स्वामी, कुछ भी तो नहीं। सीमा मुस्कुराकर कहने लगी, आपने मुझे एक ऐसी चीज अपने साथ ले आने की इजाजत दी थी जो मुझे अति प्रिय हो, बस मैं वह चीज ले आई हूँ। सीमा को उसके पति बड़े आदर से लौटा लाए और जीवन भर उसे बहुत बहुत प्यार किया। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।